सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज अभी हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो अब जा रहे हैं हम जहांगीरपुरी ट्रांसपोर्ट नगर। तो आज का व्लॉग होने वाला है वहीं का, तो चलते हैं यहां से। अभी हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो अभी ये देख सकते हो मेरे दोनों साइड पे है मेट्रो स्टेशन। लेफ्ट साइड में है गेट नंबर 3 और 4 और राइट साइड में है गेट नंबर 1 और 2। तो यहाँ से आगे चलेंगे हम GTB नगर होके जहांगीरपुरी की तरफ। तो आज थोड़ा सा मौसम क्लियर है बाकी दिनों से, थोड़ा सा पॉल्यूशन कम है, वरना बाकी दिन तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ से निकलते हैं अभी आगे की तरफ और पहुँचते हैं वहाँ पे और देखते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ से अभी सामने आने वाला है GTB नगर और अभी लेफ्ट साइड में एक कॉलेज पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसका नाम भी बताता हूँ वहाँ पहुँच के आपको। तो ये अभी मेरे लेफ्ट साइड में है इंटरनेशनल हॉस्टल, तो यहाँ पे बाहर के लोग आके स्टे करते हैं। इधर ये लेफ्ट साइड में है, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और अभी इससे आगे वाला जो लेफ्ट साइड है वो है खालसा कॉलेज GTB नगर का। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना खालसा कॉलेज है जो कि मेरे सामने ही है, देख सकते हो आप। अभी यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, फिर देखते हैं क्या है। तो आज काफ़ी वेदर क्लीन है दिख रहा होगा आपको, वरना मेरी बाकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बहुत ज़्यादा फॉग दिख रहा होगा, लेकिन आज थोड़ा सा क्लियर है जैसा कि मुझे दिख रहा है बाकी दिनों से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, वरना डेली तो भाई सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती थी। तो अभी हम GTB नगर पहुँच चुके हैं, तो ये आप देख सकते हो GTB नगर आ गए हैं अभी हम। तो मॉर्निंग में तो यहाँ पे भीड़ कम रहती है, वरना इवनिंग में और दिन में तो भीड़ ज़्यादा रहती है क्योंकि इंस्टीट्यूट ओपन हो जाते हैं। तो अब ये टाइमिंग हो चुकी है, अभी हम अभी बज रहे हैं 10, तो अब इंस्टीट्यूट ओपन होने के टाइम हो चुके हैं सारे। तो अब इसके बाद से फिर जाम स्टार्ट हो जाएगा, स्टूडेंट्स का आना जाना हो जाएगा शुरू, तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा। तो यहाँ से निकलते हैं आगे को मॉल टाउन की तरफ, फिर मॉल टाउन से आजादपुर, फिर आजादपुर से जहांगीरपुरी की तरफ चलेंगे। तो काफ़ी बढ़िया एडवेंचर होने वाला है। और ये जो ऐसे रूट है ये आपको दिल्ली में बहुत ही कम लोगों ने दिखाए होंगे, वैसे तो नहीं दिखाए होंगे, बहुत मुश्किल है। तो ये रूट हम सब कवर करने वाले हैं। अगर आपको कोई और दिल्ली के अंदर जो भी रूट देखना है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम उसकी स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। तो कमेंट कर देना और शेयर कर देना वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी दिल्ली से हैं। तो अभी यहाँ से हमने रेड लाइट हो गई है ग्रीन, तो निकलते हैं आगे की तरफ। और अब इधर आने वाला है मॉल टाउन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर आएगा। तो यहाँ पे लाइन से सारा, और ये अभी मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो तो ये पुलिस लाइन है, और ये लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में ही पुलिस लाइन का क्या कहते हैं स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय। और यहाँ से जो मेट्रो है GTB नगर से, यहाँ से ऊपर हो जाती है और यहाँ से फिर सीधा ऊपर को चलती है और फिर यहीं से नीचे हो जाती है विश्वविद्यालय की तरफ जाने को तैयार। तो ये अभी पहला पड़ेगा मॉल टाउन फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो वहाँ से चलते हैं और ये रूट देख सकते हो आप, पूरा लेफ्ट साइड में पुलिस लाइन है, पूरा पुलिस वाला एरिया है। तो आगे की तरफ निकलते हैं यहाँ से। तो सामने ही मेरे मॉल टाउन का मेट्रो स्टेशन है, तो जो भी मॉल टाउन आने वाला है तो आप यहाँ पे आना पड़ेगा मॉल टाउन स्टेशन पे, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मॉल टाउन का यही है। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है इसलिए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं है, उतना रश मिलता ही मिलता है इधर यहाँ पे। तो निकलते हैं यहाँ से आगे। तो इधर ये मेरे राइट साइड में देख रहे हो काव ही काव है यहाँ पे रोड पे बहुत सारी। तो ये आ गया मेट्रो स्टेशन मॉल टाउन का। तो अभी यहाँ से पहले पेट्रोल डलवाते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं, चलते हैं पेट्रोल डलवाते हैं। यहाँ पे डलवा लेते हैं पेट्रोल। तो अभी यहाँ से डलवा लिया हमने पेट्रोल और चलते हैं अब आगे की तरफ। तो ये था मॉल टाउन फर्स्ट, अब इससे आगे आएगा मॉल टाउन सेकंड। और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं छत्रसाल स्टेडियम, जो कि काफ़ी फेमस है दिल्ली के अंदर, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी और ब्लॉग में नहीं दिखने वाली, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट,
क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं दिल्ली की। दिल्ली की एक एक छोटी छोटी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो कुछ भी मिस नहीं करने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके साथ, अपने जो भी आपके दिल्ली वाले फ्रेंड हैं और दिल्ली से बाहर हैं, दिल्ली घूमना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करना जिनसे उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो चलते हैं आगे की तरफ यहाँ से। तो अभी जो मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे होगे, तो ये पूरा छात्रसाल स्टेडियम है, काफ़ी बड़ा है देख सकते हो आप। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा स्टेडियम है, इसके अंदर सारी रनिंग और सारे और स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट विकेट नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देख सकते हो आप, वीरा इसका जो मेन एंट्रेंस है वो ये है। तो इसका जो मेन बोर्ड लगा हुआ है आप दिल्ली भी खेलेगी, यस दिल्ली तो खेलेगी। तो चलते हैं हम यहाँ से, आपने देख लिया स्टेडियम। तो जो भी छात्रसाल स्टेडियम आने वाला है तो उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, तो जो भी छात्रसाल स्टेडियम आने वाला है उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मॉल टाउन। तो आप मॉल टाउन पर उतर सकते हो और वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस में है, बस वॉकिंग डिस्टेंस से आप आराम से आ सकते हो। और अभी सामने आने वाला है आजादपुर, तो आजादपुर की मैं आपको मंडी भी दिखाऊंगा, जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, सारे जानते होंगे पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ी मंडी है वो आजादपुर, सब्ज़ी मंडी और फल मंडी, वो भी पड़ेगी आगे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये आ गया आजादपुर का मेट्रो स्टेशन, तो जो भी आजादपुर मंडी आने वाला है वो यहाँ पे उतर सकता है, वरना और अगर मंडी आने वाला है तो वो उधर भी उतर सकता है आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन पर। तो जैसा आपको सूटेबल लगे वहाँ पर आप उतर सकते हो, तो थोड़ा सा आदर्श नगर ज़्यादा पास पड़ेगा, तो मैं रेफ़र करूँगा कि आप आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन ही उतरें। यह है पूरा आजादपुर का गोल चक्कर जो कि काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे दिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए रश नहीं मिल रहा, इसलिए हम फटाफट से निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। चलते हैं आगे की तरफ। अभी आप मॉर्निंग में देख सकते हो इतना रश है, और अगर दिन में आओगे तो फिर तो आपको यहाँ पे 15-20 मिनट लगने ही वाले हैं आराम से। तो ये रश देख सकते हो भाई साहब, पूरा इस समय यहाँ पे दबा के रश है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बसें नई बन के चलती हैं, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा रश है। तो यहाँ से हम अंडरपास से लेंगे, सामने से नहीं लेंगे, तो निकालते हैं अंडरपास से, क्योंकि सामने से लेंगे तो बहुत ज़्यादा रश है और हमें सीधा ही जाना है, तो वहाँ जाके कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ से निकालते हैं नीचे से अंडरपास से, ऊपर आप देख सकते हो रश बहुत ज़्यादा है। तो निकलते हैं अंडरपास से और चलते हैं आगे की तरफ। तो ये अंडरपास है, अगर बारिश के टाइम पर आओगे तो ये स्विमिंग पूल बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो पाइप भी लगा रखी है मोटर से, फिर पानी ऊपर फेंकते हैं, ये मेरे सामने देख सकते हो आप, ये जो मोटर लगी हुई है ये पानी फेंकने के लिए है, ये पानी ऊपर फेंकती है फिर पूरा। तो अभी सामने आने वाली है मेरे, पहले सबसे पहले पड़ेगी सब्जी मंडी, फिर उसके आगे पड़ेगी फल मंडी, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो मेरे लेफ्ट साइड में है वो है सब्जी मंडी, यहाँ की देख सकते हो चौधरी हीरा सिंह थोक सब्जी मंडी, ये मेरे लेफ़्ट साइड में है। हमें चलना है जहांगीरपुरी की साइड ट्रांसपोर्ट नगर, तो वहीं चलते हैं। और मैं भी आपको फल मंडी का भी एंट्रेंस दिखाता हूँ। तो जो भी आजादपुर आने वाला है तो अपना वो अगर मेट्रो से आने वाला है तो आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन उतर जाए, वो आपको थोड़ा सा पास पड़ेगा। ये आ गई मेरे लेफ्ट साइड में फल मंडी, ये भी सब्जी मंडी का ही गेट है।
तो ये सामने आ गया देख सकते हो मेरे, आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन। तो जो भी फल मंडी आने वाला है तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यही है, तो आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन आप उतर सकते हो और यहाँ से आप मंडी जा सकते हो आराम से, बहुत पास है। तो यहाँ से अभी हमें आगे जाना है थोड़ा और, यहाँ से अराउंड 2 या 3 किलोमीटर और है तो वो भी कवर हो जाएगा अभी बहुत जल्दी, तो वहाँ चलते हैं अभी। तो अभी हमने आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर लिया है, अब चल रहे हैं आगे की तरफ, यहाँ से जहांगीरपुरी की तरफ। तो इसके बाद ये जो पूरा एरिया स्टार्ट हो जाता है सब जहांगीरपुरी में ही आता है, और हमें जाना है ट्रांसपोर्ट नगर, तो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, तो उधर भी चलते हैं। तो अब जो मेरे ये लेफ्ट साइड में आने वाली है ये है फल मंडी का एंट्रेंस, ये भी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको थोड़ा सा। तो ये जो मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये है फल मंडी भाई, यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी फल मंडी का एंट्रेंस। तो काफ़ी बड़ी मंडी है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी होगी। तो जो भी नहीं आया और अगर घूमना चाहता है जादपुर फल मंडी या सब्ज़ी मंडी तो वो आ सकता है इस रूट से, तो मैंने ये दोनों मेट्रो स्टेशन आपको बता दिए, जो भी आपको सूटेबल लगे तो आप वहाँ से आ सकते हैं। और बाकी अगर आप अपने व्हीकल्स हैं तो फिर तो जब मर्जी आओ, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा मॉर्निंग में आना है क्योंकि इवनिंग और दिन में थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई इशू नहीं है, जी आ सकते हो आप। सामने देख सकते हो आप मेरे, तो बस यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना है हमें, इधर थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि जाम लगा हुआ है, तो देखते हैं इस जाम को क्रॉस करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे तो रश थोड़ा सा, लगी नहीं तो बोरी उधर चली गया ना तुम्हार, इधर ले आओ इधर। तो अभी हमारा जो एक्सीडेंट हो गया था उसकी वजह से हमने आगे की वीडियो शूट नहीं करी, तो वैसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, नॉर्मल सा एक्सीडेंट था। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, अभी हम ट्रांसपोर्ट नगर पहुंच चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा।